नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब पहले से अवगत होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, इसकी पद कितने हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर के आएंगे, कौन से विषय आएंगे, हम बारी बारी से इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें टोटल पद इसके कितने हैं, कुल पद हैं। यहां आप देखिए 69,706, ये टोटल पद हैं। कुल पदों की संख्या 69,706 है, जिसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, मध्य में, माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में, तीन भाग में बांटे गए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कौन कौन से भाग में कौन कौन से पद कितने हैं और कौन कौन से लोग इसको फिल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे थोड़ा सा एलिजिबिलिटी, इसको मध्य में कौन भर सकता है, इसकी योग्यता क्या होगी, माध्यमिक में कौन से भर सकते हैं और उच्च माध्यमिक में कौन कौन से लोग भर सकते हैं और ये किस किन 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 लोगों के लिए है। फिर हम बात करेंगे पासिंग मार्क्स, कौन से कैटेगरी में कौन से लोग पास होंगे, कितने कितने मार्क्स चाहिए। फिर हम भाषा जानेंगे कि कौन सी भाषा आएगी, और फिर एज, और फिर यहां हम जानेंगे कितने क्वेश्चन, हमारे तीन भागों में परीक्षा है, भाग एक, भाग दो और भाग तीन। फिर हम चर्चा करेंगे रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन के बारे में, और फिर यहाँ फीस, और फिर यहाँ एलिजिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऊपर फर्स्ट नंबर पे देखेंगे मध्य लिखा हुआ है। मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य का मतलब होता है 6 से लेकर 8 तक की कक्षाएं जो शुरू होती हैं। पद इसमें कितने हैं, 31,982 पद हैं, ठीक है, जो 6 से लेकर 8 तक की कक्षाएं होती हैं उसको मध्य कहा जाता है, और उसकी भर्ती की पदों की संख्या कितनी, 31,982। इसको कौन भर सकता है, आपके पास इसका सीटेट होना चाहिए, वो भी पेपर सेकंड। आप सीटेट देते होंगे, सीटेट के दो पेपर होते हैं, इसके पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन सीटेट के बारे में बताया है, आप अच्छे से जानते होंगे सीटेट के दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। तो जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें हमको सेकंड पेपर की बहुमूल्य आवश्यकता होगी, या फिर आप सीटेट सेकंड पेपर में क्वालिफाई हो, या फिर बीटेट। बीटेट क्या होता है, ये बिहार टेट होता है, जैसे अपने यूपी में क्या होता है, यूपी टेट होता है, उसी तरह बिहार में बीटेट होता है। तो आपके पास अगर बीटेट क्वालिफाई है तो आप इसको 6 से लेकर 8 तक की भर्ती को आप देख पाएंगे। फिर इसके बाद माध्यमिक में बात करें, माध्यमिक क्या होता है, माध्यमिक होता है 9th से लेकर 10th होता है, जिसको हम माध्यमिक के नाम से जानते हैं। इसकी पदों की संख्या 18,877 है, 18,877 पदों की संख्या है। इसकी एलिजिबिलिटी मतलब इसको कौन अप्लाई कर सकता है, इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास स्टेट होना चाहिए। स्टेट सिर्फ अभी तक बात करें तो बिहार ने करवाया है, जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होगा वो इस पद को ले सकता है। बिहार सीटेट मतलब सीटेट सॉरी एस्टेट पेपर फर्स्ट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। जो माध्यमिक 9 और 10 पद 18,877 में से एक पद आपका होगा, ठीक, इतनी बातें समझ में आई होंगी। फिर हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक, जो 11th और 12th 11 और 12 की कक्षाएं के लिए होती हैं। इसकी पदों की इस बात करें तो 18,577 पद है। इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एस्टेट, जो बिहार में एस्टेट क्वालिफाई होगा, वो भी पेपर सेकंड। इस माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी।
फिर अगर हम आगे देखें पासिंग मार्क्स, मतलब अगर आप बिहार से हैं तो आपको कितना मार्क्स चाहिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए, सबका क्राइटेरिया अलग अलग कर दिया गया है। आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप उसको विस्तार पूर्वक एक एक करके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहां भी आपको अवगत करा दे रहे हैं कि बिहार मेल फीमेल और अदर स्टेट। अदर स्टेट में अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे, आप एससी हैं या एसटी हैं। जब आप यूपी से या फिर कहीं और से अदर स्टेट से हैं और आप जाके बिहार में परीक्षा देते हैं तो आप अदर में ही आएंगे, सॉरी अदर में नहीं जनरल में ही आएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के, बिहार वाले कैंडिडेट की बात करें जो बिहार से बिलोंग करते हैं। अगर कोई जनरल से है तो उनको मेल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर चाहिए, 90 नंबर, और फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 82 नंबर चाहिए। ये सिर्फ अभी मैं बिहार की बात कर रहा हूं जो कैंडिडेट बिहार से हैं। आप बहुत ही आराम से समझिएगा, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए 82 नंबर चाहिए और फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए भी 82 ही मार्क्स क्वालिफाई रखा गया है। फिर कोई बिहार से एसटी या एससी है तो मेल कैंडिडेट के लिए 75 और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 75 मार्क्स रखा गया है। अगर कोई पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप है तो यहां मेल कैंडिडेट के लिए 75 नंबर और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 75 नंबर का क्राइटेरिया रखा गया है। ये हो गई बिहार की बात। बिहार में बिहार से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप, अगर ये हैं तो ये मेल का और ये फीमेल का। मेल के जनरल में 90, फीमेल में 82, ओबीसी में 82 और फीमेल को भी 82, एससी एसटी से अगर कोई बिलोंग करता है मेल कैंडिडेट में 75 और फीमेल कैंडिडेट में भी 75 का क्राइटेरिया रखा गया है। पीएच मेल कैंडिडेट है 75, फीमेल कैंडिडेट भी है तो भी 75 का क्राइटेरिया रखा गया है। ये इतनी बातें सिर्फ बिहार कैंडिडेट के लिए बताया गया। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट वालों की। अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है, जनरल कैंडिडेट है तो उसके लिए 90 मार्क्स चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 82 मार्क्स आपको चाहिए। ये बातें हो गई जनरल के लिए। फिर आगे हम बात करें ओबीसी, ओबीसी अदर स्टेट मेल कैंडिडेट के लिए भी 90 मार्क्स रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स रखा गया है। एससी और एसटी अदर स्टेट, अगर कोई एसटी और एससी से बिलोंग करता है तो मेल कैंडिडेट 92 और फीमेल कैंडिडेट 82। पीएच फिजिकल हैंडीकेप, मेल कैंडिडेट 85 और फीमेल कैंडिडेट 75, ये क्राइटेरिया रखा गया है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये पासिंग मार्क्स है। आप इतने इतने नंबर अगर आप ला पाते हैं तो आप बिहार शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई हैं। अब इसके बाद हम बात करें भाषा, लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो लैंग्वेज आएगी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये तीन भाषा में आपके पेपर आएंगे। फिर एज को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अनारक्षित पुरुष वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए, ये पुरुष वर्ग है और ये महिला वर्ग है। अगर कोई कैंडिडेट अनारक्षित पुरुष वर्ग से है तो यहाँ 37 वर्ष मतलब 37 साल का होना चाहिए मैक्सिमम। अगर कोई महिला है तो उनके लिए 3 साल की और छूट दी गई है, जो 40 वर्ष की हैं वो भी वहां अप्लाई कर सकती हैं। अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से अगर कोई बिलोंग करता है तो पुरुष वर्ग में 42 और महिला वर्ग में भी 42 की छूट दी गई है। ये तो हो गई आपकी एज की बात। आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आप बहुत ही आराम से समझ पा रहे होंगे, बहुत ही आराम से मैं आपको बता रहा हूं। जो यहाँ सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2
कुल पदों की संख्या, एस्टेट, ये क्राइटेरिया सारी चीजें डिवाइड अलग अलग कर दी गई हैं। आपको मैंने समझाया, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया हो इतनी बातें। अब इसके आगे हम चलते हैं पेपर के बारे में देखते हैं। पेपर हमारा भाग एक, भाग दो और भाग तीन, तीन भागों में पेपर को बांटा गया है। भाग एक में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बंगला, ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी, उर्दू और बंगला। और यहां हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन, 8 नंबर की इंग्लिश आएगी और 22 नंबर की हिंदी आएगी। टोटल क्वेश्चन मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 30 होगा भाग एक में, ये भाग एक की बात कर रहा हूं। इंग्लिश 8 क्वेश्चन, हिंदी, उर्दू और बंगला 22 क्वेश्चन और टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 30। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 30। ये तो हो गई भाग एक की बात। अब हम बात करें भाग दो की। भाग दो की बात करें हम तो यहां पास क्या हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग, जीए और जीएस, सोशल साइंस, ईवीएस और जियोग्राफी, ये इतने सब्जेक्ट भाग दो में आएंगे। ठीक है, इतने सब्जेक्ट भाग दो में आएंगे। फिर प्रश्नों की संख्या की बात करें तो ये आएगा 40। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इतने माफ करिएगा। फिर भाग तीन, भाग तीन में अपना अपना सब्जेक्ट आएगा, कोई मैथ्स है या फिर जो भी सब्जेक्ट जिसका है वो भाग तीन में आएगा, जो कि प्रश्नों की संख्या होगी 80। 80 क्वेश्चन इससे आएंगे, 80 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। ठीक, 80 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, भाग तीन और भाग दो और भाग एक, इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 40 क्वेश्चन, इसमें 80 क्वेश्चन। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, टोटल प्रश्नों की संख्या होगी हमारा भाग एक और भाग दो मिलाकर 120 क्वेश्चन, भाग दो और भाग तीन, और यहां पास 30 नंबर आप ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन आपके यहां पास आएंगे। ठीक, ये तो हो गई पेपर की बात। पेपर तीन भागों में आएगा, प्रश्नों की संख्या यहां दी गई है। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे सबसे पहले देखेंगे रजिस्ट्रेशन होगा। पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट कब होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 5 नवंबर 2023 से आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14/11/2023, मतलब 14 नवंबर 2023 को लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, और एग्जाम फीस की भी 14/11/2023 यानी 14 नवंबर। ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। यहां आप रजिस्ट्रेशन देख पा रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन हम यहां से कर सकते हैं कब से कब तक। फिर आप एप्लीकेशन को शुरू कब कर सकते हैं, एप्लीकेशन को मतलब कि फॉर्म अप्लाई करना कब प्रारंभ होगा। फॉर्म एप्लीकेशन बिगिन कब है, 10/11/2003, मतलब 2023 10/11/2023 को आप एप्लीकेशन को फॉर्म मतलब फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट मतलब अप्लाई करने का लास्ट डेट कब है, 25 नवंबर 2023 को आपका ये क्या हो जाएगा, लास्ट डेट हो जाएगा। फीस की बात करें, देखिए फीस यहां पे दी गई है, फीस कौन कौन से लोग कितना भर सकते हैं। यहां पे फीस की बात करें तो यहां पे 750 कौन दे सकता है, जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट, एससी एसटी 200 और फीमेल कैंडिडेट केवल बिहार, ये केवल बिहार के लिए लागू होगा। अगर कोई बिहार का है तो फीमेल है तो यहां पास आप 200 रुपए पे कर सकते हैं, 200, लेकिन अगर कोई अदर स्टेट से है तो वो अपना फीस कितना पे करेगा, 750 पे करेगा। फिर एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, एलिजिबिलिटी हम तो यहां पद के अकॉर्डिंग हम बता दिए हैं कि यहां कौन कौन से पद के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, मतलब आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए तो आप कौन कौन से पद को भर सकते हैं, कौन कौन से पद के लिए, ये सारी चीजें आपको बताया है।
लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो यहां आपके पास अगर बीटीसी है या बीएड है या बीटेट है, बीटीसी बीएड या बीटेट है तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीटेट भी है लेकिन पेपर सेकंड, अगर आपके पास सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बातें हो गई बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज करके हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। ऐसे ही नोटिफिकेशन या फिर कोई अन्य नोटिफिकेशन के लिए आपको जानकारी चाहिए तो आप परिणाम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों तक साझा करें, जिससे दूसरे कैंडिडेट भी इस चीज से अवगत हों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।